कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा जाएगा, यानी प ठ ण अक्षरों से जिसका नाम शुरू होता है उन जातकों के लिए। विशेष तौर पर यह सप्ताह आप लोगों के लिए अच्छा ही जा सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पे गुरु महाराज रहेंगे, जिससे आपकी वाणी, विलास और आपके आर्थिक रूप को अच्छी सफलता मिल सकती है। अष्टम भाव पर गुरु महाराज की दृष्टि और सप्तष्ठ भाव पे रही हुई गुरु की दृष्टि, यह आप की राशि के लिए विशेष तौर पर अगर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं तो उनमें आपको राहत मिलने की संभावना संपूर्ण है। अष्टम भाव पर से जो आपके कुछ बने हुए काम, बिगड़े हुए काम थे, जो काम आपने हाथ में ले रखा था अभी तक आपको सफलता नहीं मिली थी, उन कार्यों में सफलता इस सप्ताह में मिलने की पूर्ण रूप से संभावना दिख रही है। चंद्रमा महाराज भी टाइम टाइम से आपको हेल्प करते रहेंगे, जो टाइम उनका आएगा उस समय आपको सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए यह सप्ताह खूब उत्तम है, आप अपने अभ्यास में ध्यान दें, यह परम आवश्यक है। कर्म क्षेत्र को भी महाराज गुरु देख रहे हैं, जिससे काम काज में भी सफलता मिलेगी। जो नए कार्य आपके शुरू किए हैं उन कार्यों में भी आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं न कहीं आपके दुश्मन और विरोधी आपको परेशान करने की संभावनाएं भी बना रहे हैं। कहीं न कहीं आपका, जहां कहीं आपकी भूल होगी या कहीं गलती होगी, उस पर जरूर आपके दुश्मन हावी होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपने कोई गुप्तता है, अगर कोई गुप्त चीज़ है तो उसको आप शेयर नहीं करेंगे, और आप अपने साथियों से भी उसको शेयर न करके, और अपने बॉस से डायरेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा उसको चुप रखिए, तो उसी में आपकी सफलता है, अन्यथा वहाँ नुकसान की संभावना बन रही है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा है, अगर शेयर बाजार वगैरह में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। यानी आप कहीं ना कहीं शेयर बाजार वगैरह, अगर शेयर सट्टा बाजार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से ज़रा सावधान रह के अपना काम करें, यह जरूरी दिखाई देता है। संतान संबंधी जो चिंताएँ थी वो चिंताएँ यथावत रहें, ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। संतान को कहीं बाहर जाने का जो योग आपने बनाया था अथवा जो प्रयोजन किया था, वहाँ भी कुछ तकलीफ होने की संभावना दिख रही है। यानी कोई चिटिंग या जालसाजी में आप न फंस जाएं, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राप्ति अवश्य दिखाई दे रही है। जो आपने सोचा था वह पूरा हो रहा है। धार्मिक प्रसंग आपके घर में बन रहे हैं, हो सकता है कि शादी वगैरह के प्रसंग भी बन सकते हैं, और शादी वगैरह की जो बातें बंद हो गई थी वह बातें पुनः प्रारंभ हो सकती हैं। एक बात और हो सकती है, यात्रा, विदेश यात्रा वगैरह संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावनाएं खूब रूप से दिख रही हैं। आपको अपने कार्यों के लिए किसी को कोसने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से जो कार्य कर रहे हैं उसी पर विश्वास रख के काम करिए। यानी आत्मविश्वास खोने की आवश्यकता इस सप्ताह में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। जो अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्गों की तबीयत अगर खराब है तो उस तबीयत में अभी सुधार होने की भी संभावना है। माता और पिता के बीच में थोड़ा सा अंतर बढ़ सकता है, यानी आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की पूर्ण रूप से ज़रूरत दिखाई दे रही है। और आपको अगर यात्रा प्रवास का योग बनाना है तो आप अवश्य जा सकते हो, लेकिन जो किसी उसमें कोई गलती अथवा जालसाजी की बात आ रही है तो वहाँ पर आप फंस सकते हो, यानी आपको उससे सावधान रहने की जरूरत है। क्या करेंगे आप? तो इस सप्ताह के दरमियान ओम ग्लौं गणपतये सर्व विघ्न विनाशकाय नमः इस मंत्र का प्रयोग करिए, और भगवान गणेश के मंदिर में लड्डू प्रदान करिए। इससे आपका सप्ताह बिल्कुल शुभ और समृद्धि में जा सकता है।